नमस्कार, मैं आपके साथ सुधा शाह और आप देख रहे हैं 5 मिनट में 25 खबरें। महाराष्ट्र, झारखंड और राजस्थान में नहीं खुलेंगे धार्मिक स्थल, वैष्णो देवी की मंदिर भी बंद। पाकिस्तान में कोरोना संक्रमण के मामले 1 लाख के पार। मरीजों को ना लौटा दे दिल्ली के अस्पताल, आप सरकार ने तैनात किए अधिकारी। इकोनॉमी में जाम फूकने की तैयारी, चीन लोगों को दे रहा अरबों के कूपन। नोएडा प्राधिकरण के 3 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम, 4 लाख के करीब पहुंची मरने वालों की तादाद। दिल्ली ने दिए बॉर्डर खोलने के आदेश, अब बिना पास के आवाजाही। ट्रंप बोले, अगर टेस्ट हो तो भारत और चीन में मिलेंगे यूएस से अधिक मरीज। WHO की बढ़ी मुश्किल, अब ब्राजील ने भी संबंध तोड़ने की दी धमकी। अमेरिका के जॉर्जिया में प्लेन क्रैश, 5 लोगों की मौत। औरंगाबाद के हरसुल जेल के 2 कोरोना पॉजिटिव कैदी कोविड केयर सेंटर से भागे। WHO पर चीन ने भारत से मांगी मदद, बॉर्डर की टेंशन को बातचीत से सुलझाने को तैयार। दिल्ली में जामा मस्जिद श्रद्धालुओं के लिए आज से खुली। अमेरिकी महिला का आरोप, पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक ने किया था उसका रेप। भाई इब्राहिम संग योग करती दिखी, सारा अली खान दे रही फिटनेस गोल्स। US ने बदला अपना फैसला, सीमित संख्या में चीनी विमानों को देगा। लॉकडाउन में हस्बैंड संग लॉन्ग ड्राइव पर निकली मोनाली साहब, बाइक का ब्रेक हुआ फेल। फ्लॉयड को श्रद्धांजलि देने वाला ट्रंप का वीडियो ट्विटर पर ब्लॉक। गाने के जरिए राधिका मदान ने किया इरफान खान को याद, बोली तेरी लड़की मैं। ब्राजील की अमांडा 2 कैटेगरी में टाइटल डिफेंड करने वाली पहली फाइटर, महिला वर्ग में सबसे ज्यादा 8 टाइटल जीती। भारतीय फुटबॉल की महिला टीम की कप्तान आशा लता ने कहा कि एशियन कप में खेलना मेरा सपना था जो 2022 में पूरा होगा। न्यूजीलैंड के कैप्टन विलियमसन बोले, भाग्यशाली हूँ कोहली के साथ क्रिकेट खेलने का मौका मिला, कम उम्र से उनके खेल को देख रहा। धोनी ने स्वराज का ट्रैक्टर खरीदा तो कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा ने महफिल लूट ली। पूर्व वर्ल्ड चैंपियन मैकग्रेगर ने 4 साल में तीसरी बार संन्यास की घोषणा की, फैंस को कहा अद्भुत यादों के लिए शुक्रिया। चाइना मैन स्पिनर कुलदीप यादव ने बोला कि बिना चमक तो स्पिनर भी बेअसर।